नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए। कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आर्टिकल 370 पर अब संविधान पीठ करेगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आर्टिकल 370 पर अब 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। यह सुनवाई अक्टूबर के पहले महीने में होगी। वहीं कोर्ट ने सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि येचुरी ने कोर्ट से बीमार दोस्त को देखने जाने की अनुमति मांगी थी। जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाए जाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की गई। दरअसल संचार पर पाबंदी पत्रकारों पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही है। कश्मीर पर राहुल गांधी ने पाक को लताड़ा, कहा सरकार के कई मुद्दों पर असहमत लेकिन बाहरी दखल की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और इसमें किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमुख समर्थक बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि मैं सरकार के कई मुद्दों पर असहमत हूं लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और इसमें पाकिस्तान या फिर किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा हुई है, हिंसा है क्योंकि यह पाकिस्तान द्वारा उकसाई और समर्थित जिसे दुनिया भर में आतंकवाद का प्रमुख समर्थक माना जा रहा है। ईडी केस में पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी मामले में पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। आज ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोपहर 2 बजे पक्ष रखेंगे। मंगलवार को पी चिदम्बरम की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंधिया और कपिल सिब्बल ने दलील पूरी कर ली थी। पी चिदम्बरम के वकील ने कहा था कि हमने एक अर्जी फाइल की है जिसमें से ट्रांसफर की जानकारी मांगी है। पीएमएनएल के कानून के तहत अगर कोई सबूत मेरे खिलाफ लिया जाता है तो वो ट्रायल में मेरे खिलाफ काम आएगा, इसीलिए मुझे उस सबूत की जानकारी होनी चाहिए। चिदंबरम के वकील ने कहा था कि अगर ईडी मेरे खिलाफ आरोप को लाती है और मुझे सवाल करती है तो मेरे जवाब रिकॉर्ड पर होंगे, ये तो आरोप का अधिकार हो जाता है कि जवाब में कोर्ट के सामने क्या रखे। आईएलएंड एफएसईडी का दावा, फूटी कौड़ी नहीं दी लेकिन राज ठाकरे को हुआ 20 करोड़ का फायदा। नकदी संकट से जूझ रही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आईएलएंड एफएस ने अनियमितताओं की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। ईडी ने जांच में पाया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने मातोश्री रिटर्न कंपनी के गठन में एक भी पैसा निवेश नहीं किया लेकिन 2008 में 20 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। यह कंपनी कोहिनूर सीटीएनएल का हिस्सा थी। राज ठाकरे ने 22 अगस्त को पूछताछ में ईडी के अफसरों को बताया था कि उन्होंने मातोश्री रिटर्न में कोई भी पैसा निवेश नहीं किया लेकिन वह एनएनएस नेता राजन थियोटर सहित कंपनी के 8 पार्टनरों में से एक थे। अयोध्या केस में राम जन्मभूमि से 85 स्तंभ मिले, इसमें से 84 को विक्रमादित्य ने स्थापित किया। अयोध्या मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 14वें दिन भी सुनवाई बुधवार को होगी। मंगलवार को 13वें दिन की सुनवाई में निर्मोही अखाड़े ने दलील पूरी करने के बाद राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से पीएन मिश्रा ने पक्ष रखा था। उन्होंने अपनी बहस में शुरू करते हुए कहा था कि मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता है, राम जन्मभूमि को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है और मक्का मदीना को भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए यह मायने नहीं रखता है कि मंदिर बाबर ने गिराए या फिर औरंगजेब ने, यह मुस्लिम पक्ष के लिए अहमियत रखता है कि बाबर ने मुस्लिम कैसे बनाए। पीएन मिश्रा ने कहा है कि राम जन्मभूमि में 85 स्तंभ मिले थे जिसमें से 84 स्तंभ को विक्रमादित्य ने स्थापित किया था और एक गरुड़ था। हमारी आस्था और विश्वास है कि राम जन्मभूमि पर ही मस्जिद बनी। यूपी में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सख्त हुई योगी सरकार, चलाया जाएगा अभियान। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा है कि प्रदेश में अभियान चला करके फर्जी शिक्षकों को बाहर किया जाएगा। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा है कि एसआरटी में प्रदेश में 4000 फर्जी शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिसमें से 1300 को चिन्हित कर के कार्रवाई की जा चुकी है। हम सूबे में बड़ा अभियान चला करके अब फर्जी शिक्षकों को विभाग से बाहर करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर बनेगी फिल्म। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है। वाजपेयी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद आखिरकार 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। अमास फिल्म्स के मालिक शिवा शर्मा और अविनाश अहमद ने उल्लेखनीय एनपी द्वारा लिखित किताब द अनटोल्ड वाजपेयी के आधिकारिक राइट्स प्राप्त कर लिए हैं। इनमें उनके बचपन, कॉलेज की जिंदगी, उनके राजनेता बनने जैसी जिंदगी कई पहलुओं पर भी इसमें खुलासा किया जाएगा। कश्मीर को लेकर के बौखलाए पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट को 3 रूट 31 अगस्त तक किए बंद। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान हर दिन भारत को नई गिदड़ भभकी दे रहा है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना एयरोस्पेस इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए बंद कर दिया है। इसमें से पाकिस्तान के ऊपर से भारत के विमान भी नहीं गुजरते। फिलहाल पाक ने कराची एयरपोर्ट को 3 रूट 31 अगस्त तक बंद कर दिए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट को जो 3 रूट बंद कर दिए हैं, आज यानी कि 28 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक यह बंद रहेंगे। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस नोटिस को भी निकाल दिया है।
शताब्दी तेजस गतिमान ट्रेन का किराया 25% कम करने की तैयारी में है रेलवे। शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे किराए में बड़ी कटौती करने जा रहा है। भारतीय रेलवे इन ट्रेन में 25% किराया कम करने की योजना को लागू कर रहा है। रेलवे ने रोडवेज और सस्ती एयरलाइंस में मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते यह फैसला लिया है। इन ट्रेनों का किराया ज्यादा होने की वजह से यात्री सफर करने में परहेज करते हैं। रेलवे का एक ही मकसद है कि इन ट्रेनों में जो खाली सीट रह जाती है उसे भरा जाए। हालांकि किस रूट पर इसे लागू किया जाएगा यह फैसला उस रेलवे जोन के मुख्य कमर्शियल मैनेजर को लेना होंगे।